इस क्वेश्चन में कह रहा है, चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तथा प्लेटों के बीच की परावैद्युतांक पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः D1 एंड D2 है तथा उसके परावैद्युतांक क्रमशः K1 और K2 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक संधारित्र, इसे मान लेते हैं ये प्लेट है ना, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, तो एक संधारित्र ये वाली हो जाएगी। ठीक, और दूसरी संधारित्र ये कैपेसिटेंस हो गई C1, और दूसरी संधारित्र हो जाएगी ये वाली प्लेट और इस वाली प्लेट के बीच में। ठीक ना, ये हो गई C2। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/C1 अपॉन 1/C2। ठीक है, अब देखो C1 कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए K1/D1। ठीक ना, और C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए K2/D2। ठीक, अब देखो ये दोनों जो संधारित्र है वो किसमें है, श्रेणी में, और श्रेणी का तुल्य संधारित्र क्या हो जाएगा, मतलब तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। ठीक है, तो 1/तुल्य धारिता सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, C1 को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, D1/εoA K1। ठीक है, इससे बढ़िया इसे थोड़ा आसान और करते हैं, मतलब इसे ऐसे लिख लो, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 by C1 plus C2। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो गई, C1 कितनी है, εoA K1/D1 इंटू εoA K2/D2, और ये क्या हो गई, εoA K1/D1 plus εoA K2/D2। ऐसा क्यों लग रहा है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, चलो कोई बात नहीं, कर ही दिया है तो देख लेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए K1/D1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए K2/D2 अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लो, ये हो गया K1/D1 + K2/D2, ऐसा, तो एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो इसे मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए D1 D2 ये बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए, या ऐसे पूरा लिख ही देता हूँ मैं, पेन का कलर बदल लेते पहले, ये हो गया K1, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो D1 D2 उड़ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये चला गया D1 D2 डिवाइडेड बाय ये D1 D2, ये वाला D1, ये D2, तो D1 D2, और एलसीएम क्या आ जाएगा, K1 D2 + K2 D1। ठीक है, D1 D2 कैंसिल, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 अपॉन K1 D2 + K2 D1। क्लियर, ये आंसर हो गया, क्लियर।